भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता द्वारा इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति नीलिमा गुप्ता ने उद्घाटन कर विश्वविद्यालय के इंडोर स्टेडियम को खेलने के लिए छात्र छात्राओं को समर्पित कर दिया। वहीं उद्घाटन के पूर्व कुलपति ने इंडोर स्टेडियम के सामने वृक्षारोपण कर लोगों को संदेश दिया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता के अलावा अतिथि प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार, विभागा अध्यक्ष प्रोफेसर पवन पोदार, विश्वविद्यालय कुल सचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव सहित कई शिक्षाविद मौजूद थे। जबकि कई वर्षों से बनकर तैयार यह इंडोर स्टेडियम बंद पड़ा हुआ था, आज कुलपति ने इसका फीता काट कर विधिवत उद्घाटन कर और नारियल फोड़कर इसकी शुरुआत। विधिवत उद्घाटन होने के उपरांत कुलपति व कुल सचिव एवं कई विश्वविद्यालय के पदाधिकारी बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस आदि खेलों को खेलकर काफी रोचक आनंद लिया गया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि भारत सरकार खेलो इंडिया के नाम से जहां पूरे देश में तरह तरह की फैसिलिटी देकर अपना अभियान चला रही है, तो क्यों नहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को भी अपने बच्चों के लिए खेलो तिलका मांझी विश्वविद्यालय की मुहिम चलाई जाए। बाहर से देखा करती थी कि इंडोर स्टेडियम यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन पता चला कि ये बंद है। तो अभी पिछले हफ्ते मंगल को ही मैंने ये, बीच में फिर कोविड हो गया, लास्ट ट्यूसडे मैंने ये स्टेडियम खुलवाया था। तो मुझे लगा बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम ठीक करके अभी बच्चों के लिए इसको चालू कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने वो सब करके बिजली का इंतज़ाम करके, पानी का इंतज़ाम करके, शीशे वीशे जो टूटे हुए थे ये करके हमने एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दे दिया है जहाँ वो लोग आकर खेल सकते हैं। और इसी के साथ अब और भी फैसिलिटीज़ हम इसमें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और आज जहाँ भारत सरकार खेलो इंडिया नाम का मूवमेंट चलाए हुए है और तरह तरह की फैसिलिटीज़ दे रही है, तो मेरे मन में यही विचार है कि क्यों नहीं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भी अपने बच्चों के लिए, जहाँ एक तरफ खेलो इंडिया चल रहा है वहाँ दूसरी तरफ हम लोग खेलो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का एक मूवमेंट चलाए। R9 भारत के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट, भागलपुर बिहार से। भागलपुर के दौरे पर आए जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी की मजबूती और पार्टी को नंबर वन बनाने को लेकर बिहार की यात्रा शुरू की गई है। कुशवाहा की माने तो यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ साथ सरकार की योजनाओं को घर घर प्रचार प्रसार करने की योजना भी है। वहीं जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों से भी संपर्क कर रहा हूं। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाई जा रही योजना का फीडबैक लिया जा रहा है। लोगों को अधिकारियों के प्रति नाराजगी है, पटना पहुंचकर सुधार के लिए सरकार की ओर से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं जाति आधारित जनगणना के मसले पर उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना को समय की मांग बताया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जाति आधारित जनगणना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2018 में जब वे केंद्रीय मंत्री थे तो उस समय संसद में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जाति आधारित जनगणना कराने की बात कही थी। समय समय पर न्यायालय ने भी सरकार को जाति आधारित जनगणना कराने की सलाह दी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर देश में सकारात्मक माहौल बनाने को लेकर अलग अलग राज्यों विपक्षी पार्टियों ने भी सहमति जताई है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने तीसरे मोर्चे की कवायद को सिरे से खारिज कर दिया। लक्ष्य इस कार्यक्रम का, पूरे बिहार की यात्रा का है, ये पार्टी ने फिर से संकल्प लिया है कि नंबर वन की पार्टी बिहार में हम बने। कतिपय कारणों से थोड़ी कमी हो गई थी, पिछले विधानसभा चुनाव का परिणाम भी अब बताता है। तो फिर से हम जो पहले कभी पार्टी नंबर वन की हुआ करती थी, फिर से इसको नंबर वन की पार्टी बनाने का काम करना है। और लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं, अभी हम लगभग 10-12 जिला का दौरा मेरा हो चुका है, तो उसके आधार पे मेरे अंदर यह विश्वास जगा है लोगों से मिलते हुए कि हम जरूर कामयाब होंगे नंबर वन की पार्टी बनाने में। इस बीच कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी होती है, नया नया विषय भी आ जाता है, जिस विषय में अभी एक जातीय जनगणना का विषय आ गया। जातीय जनगणना स्वाभाविक है, आप लोग भी थोड़ी इच्छा रखते होंगे कि उस पर भी, तो जातीय जनगणना कोई, इसकी मांग कोई आज की मांग नहीं है, वर्षों पुरानी मांग है। और यह मांग कोई पॉलिटिकल पार्टी की ओर से शुरू की गई मांग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और कई अफसरों पे, अलग अलग राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी ओर से सरकार से कहा गया कई बार कि आप योजना बनाते हैं समाज के सभी सेक्टर के लिए, ओबीसी के लिए, अति पिछड़ा के लिए,
लेकिन इनकी कितनी संख्या है देश में या अलग अलग राज्यों में, इसका कोई आंकड़ा तो है ही नहीं आपके पास। सरकार से कहा कोर्ट ने, आंकड़ा आप बताते हैं 1931 में हुई जनगणना के आधार पर, लगभग 100 साल पहले यह गणना हुई। R9 भारत के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट, भागलपुर बिहार से। भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय में कॉपी और उत्तर पुस्तिकाओं को खरीद मामले में छात्र राजद द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं छात्र राजद प्रवक्ता आशुतोष यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा कॉपी खरीदी गई मामले में भारी घोटाला हुआ, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के अनुशासन कार्यालय में एक ज्ञापन भी सौंपा गया, बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन संज्ञान नहीं ले रही। वहीं उन्होंने कहा कि उक्त मामले को लेकर छात्र राजद द्वारा कई बार प्रदर्शन भी किया गया है। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं का कहना था जो का मूल्य 5 रुपए कीमत आ रही है उसे निजी कंपनियों के द्वारा मिली भगत से दुगने दाम में बेचा जा रहा है। अभी उस कॉपी की कीमत 9 रुपए 50 पैसे अर्थात दोगुने दर पे दी जा रही है। यह सरासर अन्याय है और लूट है। आशुतोष ने कहा कि कॉपी खरीद के लिए किए गए लूट में जिम्मेदार अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग आज प्रशासनिक भवन परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो विधिवत रूप से आगे आंदोलन होगा। कॉपी खरीद अभी के जो हुआ है उसके कर्मचारियों पर जो अधिकारियों पर जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हम लोग के द्वारा जो RTI दायर किया गया है उस मामले में अभी तक 25-30 दिन होने चला, उस मामले पर अभी तक कोई जवाब नहीं विश्वविद्यालय तरफ से आया है। उसके खिलाफ में हम लोग मानव श्रृंखला बना के छात्र राजद के बैनर तले अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व में जो कॉपी खरीद होती थी वो 5 रुपये के प्रति कॉपी के दर से होती थी, लेकिन वर्तमान में भ्रष्ट कुल सचिव एवं कुलपति के द्वारा जो कॉपी खरीद हुई है, ठीक है, उसमें पहले 5 रुपये की कॉपी आती थी, उसी कॉपी को एक निजी एजेंसी से स्वार्थवश और उसके साथ मतलब लोभवश तालमेल करके 9 रुपये 80 पैसे यानी दोगुने दर पे वही कॉपी की खरीदारी हुई है, तथा उस कॉपी खरीद में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा राजभवन का आदेश तथा वित्त समिति सिंडिकेट एवं जैम पोर्टल तीनों का उल्लंघन किया गया है। मेरा नाम आशुतोष कुमार, छात्र R9 भारत के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट, भागलपुर बिहार से। भागलपुर सनहौला थाना क्षेत्र के पंजवारा घोघा स्थित मुर्गिया चक गांव के समीप बाइक के चपेट में आने से एक 8 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जा रहा है कि सनहौला थाना क्षेत्र के मुर्गिया चक गांव के समीप सड़क किनारे एक 8 वर्षीय बच्ची खेल रही थी, जहां सनहौला की ओर से आ रही मोटरसाइकिल से बच्ची टकरा गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा मोटरसाइकिल सवार युवक की मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है, जबकि मोटरसाइकिल सवार युवक को भीड़ से किसी तरह जान बचाकर निकाला गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सनहौला थाना की पुलिस अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, मोटरसाइकिल सहित शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई है। क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ उसका क्या नाम था? मोहम्मद साजिद। बच्चे का पिता का नाम? मोहम्मद फयाज। कितना उम्र है बच्चे का? 8 साल। 8 साल है। कैसे एक्सीडेंट हुआ? रोड पे ठहरा हुआ था, उधर से गाड़ी आके मार दिया। अपाची। क्या बजे हुआ घटना? 3 बजे। 3 बजे। बच्चा का माता पिता का नाम क्या है? पिता का नाम फयाज है, माँ का नाम रोजी है। अभी माँ नहीं है, माँ जन्म देते ही मर गई। आप कौन है? मैं चाचा हूँ, मैं ही पाला हूँ। आप ही पाले थे? जी। आपका नाम क्या हुआ? R9 भारत के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट, भागलपुर बिहार से।